यूट्यूब फैमिली का और मेरे तमाम दोस्तों का मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि अपने सब बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करूँ जो मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए और करते हैं, ताकि इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मेरा दिल चाहता है कि मैं और ज़्यादा अच्छी सी अपने व्यूअर्स के लिए ज़्यादा अच्छी और आसान रेसिपी लेकर आऊँ। तो आज मैं आपको बताऊँगी मैंगो मिल्क शेक की रेसिपी। तो आए बढ़ते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए ये दो मैंने मैंगो क्यूब्स में काट के रखे हैं, चीनी, दो मैं ग्लास ले लूँगी मिल्क, अभी एक मैंने डाला हुआ है और दूसरा फिर मैं ब्लेंडर में डाल दूँगी, और आइस क्यूब्स। तो सबसे पहले मैं जो है ब्लेंडर में डाल दूँगी मैंगो। आपको तो पता है हमारे पास जो है यही वेदर होता है मिल्क शेक पीने का, बाकी तो फिर सर्दियों में हम ये चीज़ें और आइस क्यूब और ये कुछ हम नहीं यूज़ कर सकते। तो अब मैं इसमें मैंने डाल दिए हैं मैंगो, अब इसमें जाएगा मिल्क, एक ग्लास मैंने डाला है, दूसरा ये मैंने डाल दिया क्योंकि मैं सिर्फ दो ग्लास बना रही हूँ, और मैं इसमें 3 टेबलस्पून डाल दूँगी। ये मेरे पास ब्राउन शुगर है, आप वाइट भी डाल लें, और आप इसके जो है शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप जितना वो करते हैं पसंद करते हैं। और साथ में ये आइस क्यूब्स डाल रही हूँ, ये मैंने आइस क्यूब्स डाल दिए हैं, अब इसको ब्लेंड करते हैं। ये ले मैंने ब्लेंड कर लिया है, हमारा मिल्क शेक जो है ये तैयार हो गया है। तो अब इसको मैं ग्लास में डाल रही हूँ। तो ये हमारा बहुत ही यमी मिल्क शेक जो है तैयार है, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ आपको मैंगो चाहिए, चीनी चाहिए और दूध चाहिए, तो कोई भी इसको बना सकता है, आप इंजॉय करें और इस वेदर में आपको बहुत अच्छा लगेगा, और फिर मुझे बताएं ये कैसा बना है। तो बहुत आसान है, कोई भी बच्चे भी जो हैं तो ये इसको बना सकते हैं। तो दुआओं में याद रखें, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली का शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो दुआओं में याद रखें, तो फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ।